you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं बॉट टू वन गेमिंग। ठीक है, जैसे कि मैं आज का वीडियो का टॉपिक है कैसे आप लोग BGMI 3.3 को मोमो प्लेयर में खेल सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का एक ही रीज़न है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरा जो ये वाला वीडियो में ये जो BGMI 3.3 MSI ऐप प्लेयर के ऊपर कैसे खेलते हैं, इस वाले वीडियो में बहुत सारे लोगों का ये फेस हो रहा है कि ये MSI ऐप प्लेयर में उसका गेम इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो किसी का रूट जो एमुलेटर को रूट करते हो तो वो रूट नहीं हो रहा है, एमुलेटर नॉट फाउंड, ये सब इशू दिखा रहा है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि मोमो प्लेयर में आप लोग आराम से BGMI 3.3 को कैसे खेल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं फालतू में ये वीडियो बना रहा हूँ कि मोमो प्लेयर में खेला नहीं जा सकता। मोमो प्लेयर बहुत ही अच्छा एक एमुलेटर है BGMI को खेलने के लिए। ठीक है, रुको, ये है मोमो का वेबसाइट, आप देख सकते हो मोमो 12, और ये एंड्रॉयड 12 के ऊपर चलता है। ठीक है, अभी तक ये लौता एक एमुलेटर है जो एंड्रॉयड 12 के ऊपर चलता है। ठीक है, तो और एक एंड्रॉयड 12 वर्सन में चलता है, वो गुड न्यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर। क्या गुड न्यूज़ हो सकता है वो मैं अलग से वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो एकदम एक एमुलेटर आ रहा है मार्केट में। ठीक है, जो इतना बड़ा कंपनी आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके ऊपर अगर गेम चलता है तो एक अलग ही लेवल का चलेगा, और लीगल तरीके से भी हो सकता है, पता नहीं क्यों। उसके बारे में अलग सा वीडियो बनाऊंगा। तो अभी के लिए यह मोमो प्लेयर 12 एंड्रॉयड 12 के ऊपर चलता है। ठीक है, मोमो प्लेयर, तो जिसका MSI ऐप प्लेयर में प्रॉब्लम होता है तो वो लोग आराम से मोमो प्लेयर में खेल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेप ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा स्टेप है। आप लोग जितना FPS आप लोगों को मोमो प्लेयर के अंदर मिलता है डिफ़ॉल्ट, कुछ फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करके नहीं, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे आप लोगों को डिफ़ॉल्ट शायद 90 FPS मिलेगा तो इनफ, क्योंकि मेरा वीडियो आप लोग देखते हो, पता है ये वाला वीडियो में तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो बाकी मेरा गेम प्ले में भी आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स दिखाओ यार, ऐसे नहीं कि मैं फालतू का गेम प्ले डालता हूँ। लाइव का भी मेरे पास कुछ जुगाड़ नहीं है, इसलिए मैं लाइव नहीं आता हूँ। इन फ्यूचर में लाइव ज़रूर आऊँगा, चैनल को थोड़ा ग्रो होने दो, ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करो और ग्रो होने दो, मैं लाइव ज़रूर आऊँगा, तब देखना मेरा लाइव गेम प्ले। और ये सब गेम प्ले में फुल गेम प्ले डालता हूँ, कभी कभार क्लैचेस डालता हूँ। ठीक है, ये सब बाद में बात करेंगे। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ मोमो प्लेयर में आप लोग कैसे खेल सकते हो गेम को। ठीक है, एकदम आराम से डिफॉल्ट जो FPS आप लोगों को मिलेगा वही FPS में खेलना, स्टेबल FPS देगा। ठीक है, तो अभी देखो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आराम से मोमो प्लेयर डाउनलोड करना है। जैसे मैंने एक बार इंस्टॉल किया था मोमो प्लेयर, उसमें खेला भी था, लेकिन उसके बाद जब देखा कि MSI ऐप प्लेयर में चल रहा है तो मोमो प्लेयर में मैंने नहीं खेला। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर अभी भी मोमो प्लेयर में खेलता है, तो उसका मैं एक नाम लूँगा, साउट आउट YT नाम का। ठीक है, वो मोमो प्लेयर में खेलता है, तो एक ही एग्जाम्पल दिया। बहुत सारा ऐसा यूट्यूबर है जो खेलता है, लेकिन एक ही एग्जाम्पल दिया, वो खेलता है मोमो प्लेयर में, तो आप लोग भी आराम से खेल सकते हो। और मोमो प्लेयर बहुत ही सेफ है, इस पर आप लोग अपना मेन ID भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो मेन ID, क्योंकि बैन होने का चांसेस बहुत ही कम है। और MSI में भी कम है, ऐसा नहीं कि MSI में बैन हो जाएगा, MSI में भी चांसेस कम। मैं अभी तक तो 3 सीजन से खेल रहा हूँ, अभी तक किसी का भी शायद बैन का इशू आया है तो सुना नहीं। ठीक है, चलते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोमो प्लेयर में आप लोग छोटा सा स्टेप है, स्टेप फॉलो करो और आराम से खेलो जिसका MSI में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो जैसे मेरा ये मोमो प्लेयर यहाँ पे फाइल हो गया है, अभी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अब मेरा सजेशन ये है कि C ड्राइव में इंस्टॉल करो। ठीक है, दूसरे ड्राइव में इंस्टॉल करने से शायद प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। C ड्राइव में इंस्टॉल करो, ऐसा कुछ नहीं कि C ड्राइव में इंस्टॉल करने से कुछ C ड्राइव में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये इंडिया में ऑथराइज ऐप्स नहीं है, लेकिन बाहर के दुनिया में ये ऑथराइज, चाइनीज़ में तो ऑथराइज ऐप्स ही है।
ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ करेगा तुम्हारा पीसी स्लो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, क्विक कस्टम इंस्टॉलेशन दिखा रहा है। आप लोग चाहो तो बाहर जाके दूसरे ड्राइव में कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरे ड्राइव में, पहले दूसरे ड्राइव में करके देखो, अगर गेम के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इशू दिखा रहा है तो उसमें ही रहने देना, अगर नहीं हो रहा है तो सी ड्राइव में एक बार करके देखो। ठीक है, मैं तो पहले अभी सी ड्राइव में ही करूँगा क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना है। तो जैसे कि मैं मोमबुलर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप लोग कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना, कई बार भी इसको सेव कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो और दूसरे पैथ में भी कर सकते हो। मैं तो अभी के फिलहाल सी ड्राइव में कर रहा हूँ, आप लोग दूसरे ड्राइव में भी करके देखो, अगर दूसरे ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम होता है तो सी ड्राइव में इंस्टॉल करके देखना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, मेरा मोमो प्लेयर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब ये मोमो प्लेयर इंस्टॉल होकर ऑटोमेटिकली खुल भी गया है, ये सब एक्सेप्ट करना। ये देखो मोमो प्लेयर ओपन हो चुका है। ठीक है, अभी अभी आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे साइन इन करना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा साइन इन हो चुका है, ठीक है, देखना है प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में ओपन करता हूँ, देखो मेरा साइन इन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे BGMI सर्च करूँगा, BGMI आ भी गया है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, अभी इसको मैं इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख चुके हो मेरा BGMI डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब इसको प्ले करते हैं। अब जितना भी रिसोर्स वगैरह ये सब होगा इसके अंदर, ये सब डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जिसके पास लो एंड पीसी है, FPS इतना खास नहीं देता है, उसका प्रोसेसर पावरफुल नहीं है, तो वो ये लो स्पेक्स ही डाउनलोड करेगा। जिसके पास हाई एंड है वो हाई एंड वाला HD रिसोर्स पैक डाउनलोड करे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख चुके हो मेरा प्रिपेयरिंग रिसोर्स डाउनलोड हो चुका है, अभी अपडेट फिनिश बोल रहा है, इसको ओके कर देना। ठीक है, ओके करने के बाद ये गेम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखते क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया आता है या नहीं आता है। देखो जैसे मैं गूगल से लॉग इन करने गया, यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर इज बिजी, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एरर कोड रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो आता है नॉर्मली। ठीक है, इसके इसको फिक्स करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दो। अब इससे पहले, उसको फिक्स करने से पहले कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट सेटिंग। तो जैसे कि सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड रेंडरिंग मोड वल्कन पे रखना, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट एक्स में इसको सिलेक्ट कर देना। ठीक है, अपने हिसाब से करना, यहाँ पे अगर वल्कन पे अगर चलता है तो इसको रहने देना, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट इस पर चलाना। ठीक है, फिर इस पर चला के देखना, यहाँ पे कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो, किसी को अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये वल्कन पे सेट कर देना। ठीक है, परफॉर्मेंस में कस्टम कर देना, जो CPU का अपना जितना कोर का CPU है वो दे देना, जैसे मेरा 6 कोर का CPU है, और RAM जितना है वो सेट कर देना, जैसे मेरा 16 GB का RAM है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे 15 दिखा रहा है, लेकिन 2-3 थोड़ा बचा के रखना, मेरा 16 GB का RAM है तो मैं इसको 12 कर देता हूँ, 12 GB का RAM कर देता हूँ। ठीक है, इसको कि ग्राफिक्स मेमोरी यूसेज बेस्ट स्क्रीन परफॉर्मेंस करना। ठीक है,
फिर इसके बाद डिस्प्ले में जो आपका मॉनिटर का नेटिव रेजोल्यूशन है वही रखना, जैसे मेरा 9020x1080p। इसके बाद स्क्रीन ब्राइटनेस अपने हिसाब से करना, यहाँ पे जो 50 यही रखने दो, गेम के अंदर ये सब कर सकते हो स्क्रीन का ब्राइटनेस। जो फ्रेम रेट, जो आपका मॉनिटर का फ्रेम रेट है वही सेट कर देना, जैसे मेरा 144 है तो मैं 144 240 कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसका 60 है 60 रहना, जो भी मॉनिटर का रेजोल्यूशन सॉरी रिफ्रेश रेट है वही रखते हैं, ठीक है। जैसे मेरा 144 है तो मैं 144 रख देता हूँ, अभी तक तो 120 सपोर्ट कर रहा है। तो डिस्प्ले फ्रेम रेट, अगर आप लोग डिस्प्ले फ्रेम रेट इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे राइट कॉर्नर पे ये डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले दिखाएगा कितना फ्रेम आपका दे रहा है, ठीक है। ये सब यही रहने देना। और ये जो डिस्क क्लीनर है, ये 4-5 दिन या 1 हफ्ते के बाद ये सब डिस्क क्लीन करना, क्योंकि गेम जैसे मोबाइल, ये एक्चुअल तो वर्चुअल मोबाइल ही है, तो जैसे मोबाइल का डिस्क क्लीन करना पड़ता है, इसका भी डिस्क क्लीन कर देना 1 हफ्ते के बाद। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर कुछ फेस कर सक करोगे तो तभी करना, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि हाँ एमुलेटर खुलने में थोड़ा स्लो हो रहा है, गेम थोड़ा क्रैश हो रहा है, या कि गेम के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करो, तो ये सब ये कर देना, ठीक है। और ये सब यही रहने देना जो भी है। ओ सॉरी, मैं तो डिस्प्ले में चला गया ना, इसके बाद डिस्क में चला गया, इसके बाद ऑडियो में वही रहने देना। इसके बाद शॉर्टकट मॉडल, मॉडल जो है यही रहने दे, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अदर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट सर स्टेप है ये, जो रूट परमिशन है इसको एनेबल करना, ठीक है। ये जो रूट परमिशन है इसको एनेबल कर देना। और मॉडल में रुको, मॉडल एक तो मैं मॉडल देता हूँ, ठीक है, वो वाला मॉडल ही रखना। अगर ये मॉडल है तो कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, मॉडल से कुछ नहीं होता है। इस वाले एमुलेटर में तो मॉडल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रख दो, लेकिन फिर भी मैं जो मॉडल दे रहा हूँ वही वाला रखना। उसके बाद AL50, ठीक है, यही वाला रख देना। फिर ये सब हो जाने के बाद ये देखो, फिर से और एक बार देख लो, और एक बार देख लो इसको, वल्कन में CPU कोर कस्टम बेटर स्क्रीन परफॉर्मेंस, ये सब ये रहेगा। डिस्प्ले में जो अपना नेटिव रेजोल्यूशन है वही रखना, अगर तुम्हारे 2K का है 2K रखना, तो अगर 4K का मॉनिटर तो 4K रख देना, ठीक है। डिस्प्ले डिस्क के बारे में बता दिया, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो डिस्क क्लीन करना 1 हफ्ता बाद। ऑडियो में वही रहने देना। मॉडल नंबर ये सेट करना, और इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे जो रूट परमिशन है इसको एनेबल कर देना, ठीक है। फिर इसको सेव कर देना, फिर रिस्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है। एमुलेटर रिस्टार्ट होने के बाद मैंने जो फाइल डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है, वो फाइल डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे आप लोगों को ये फाइल दिखेगा, एक तो फॉल BGMI फिक्सर और जो रूट एक्सप्लोरर नाम का, ठीक है, रूट एक्सप्लोरर नाम का ये दो फाइल दिखेगा। ये दो फाइल को एमुलेटर के ऊपर ले आना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर APK इंस्टॉल, फिर जहाँ पे आप लोगों को फाइल रखे हो वहाँ पे जाना, चले जाना, ठीक है। फिर इसको इंस्टॉल कर देना, ये दो फाइल को, रूट एक्सप्लोरर और फॉल फिक्सर। फिर इसके बाद फिर से वहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे जो फाइल ट्रांसफर है यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। फिर ये वाला पेज आ जाएगा, जैसे जहाँ पे तुम इंस्टॉल किए हो ये वाला, ये सब पेज आ जाएगा। इसके बाद इसको ओपन कर देना। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके रखना, इसको क्लोज मत कर देना, ठीक है, इसको मिनिमाइज करके रखना। और नया वाला विंडोज फिर रुको, और नया वाला विंडोज़ खोलना, जो जहाँ पे तुम लोग वो फाइल इंस्टॉल, जहाँ पे वो फाइल तुम लोग डाउनलोड करके रखे हो उस फोल्डर में फिर से जाना। फिर यहाँ पे ये दो फाइल दिखाएगा,
दो फाइल जो फाइल्स और लीव नाम का, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके फिर इसको कट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे, हाँ ये वही वाला है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, हो गया। पेस्ट करने के बाद इसको कट कर देना और इसको भी कट कर देना, ये जो बाहर है इसको भी कट किया। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद इसको कट कर देना। अब ये जो रूट रूट एक्सप्लोरर वाला, इसको आप ओपन करना। रिमेम्बर चॉइस फॉरएवर, अलाउ, ओके। ठीक है, अब ये स्टोरेज पे जाना। ये मोमो सेट फोल्डर नाम का ये जो फोल्डर, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे जो फाइल्स और लिप जो है, इन दोनों को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी कैसे करोगे? कॉपी तुम लेफ्ट में इसको प्रेस करके रखना, फिर ये वाला प्रेस, फिर यहाँ पे जाके कॉपी, फिर रूट में जाना, फिर डेटा में जाना, फिर उसके बाद फिर से डेटा, उसके बाद ये जो com.pubg.imo आई मोबाइल है, यहाँ पे जाना, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, ये जो पेस्ट वाला, इसको ऐसे करके मर्ज कर देना। ठीक है, ये जैसे ही पेस्ट, जैसे ही ये हो जाता है, तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सा स्टेप नहीं है, इम्पोर्टेंट सा इसको नोट कर लो। ये तुम जब भी ये मोमो प्लेयर ओपन करोगे, गेम खेलोगे, ठीक है, जैसे कि मैं अभी इसको, ये हो गया तो इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले गेम चला के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बोलता हूँ। देखो गेम कैसे चल जाएगा। तो ये देखो, मैं थोड़ा सेटिंग दिखा देता हूँ। स्मूथ में 90, स्मूथ में 90 दे रहा है। ये सब कलरफुल रख लेना, तो 90 FPS मिलेगा। मेरा सजेस्ट ये भाई, कुछ इस जो इसका ग्राफिक्स अब तुम लोग बढ़ा सकते हो कि HDR में 90, HD में 90। मेरा मानना है ज़्यादा कुछ छेड़खानी मत करो। अगर तुम, अगर 99% जो भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो या PC प्लेयर हो, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हो, सब स्मूथ और स्मूथ ग्राफिक्स में ही खेलते, क्योंकि एनिमी बहुत अच्छे से स्पॉट होता है अगर तुमको सीरियसली गेम खेलना है तो। ठीक है, तो आराम से देखो, ये देखो, तो आराम से चल रहा है। अभी मैं की मैपिंग दिखाऊंगा, की मैपिंग के बाद आप लोग रोज़ ये मोमो, अगर किसी का MSI में प्रॉब्लम हो रहा है भाई, छोड़ो उसको, मोमो प्लेयर में खेलो गेम। अभी की मैपिंग के लिए आप लोगों को छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा, उस स्टेप करने के बाद आप लोग आराम से ये गेम मोमो प्लेयर में खेल सकते हो। तो बटन के लिए आप लोगों को कस्टमाइज बटन में जाना, ये थर्ड वाला ही सिलेक्ट ऑलरेडी, थर्ड वाला में जाना और यहाँ पे सेकेंड वाला। मेरा पहले से वो है तो इसीलिए ये सब दिखा रहा है, मतलब तो मैं MSI प्लेयर में खेलता था इसीलिए। तो शायद एक मिनट रुको, ये सब भी गायब है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को की मैपिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। की मैपिंग के लिए आप छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा, आप लोग इस सेटिंग में जाना, कस्टमाइज में ये नंबर 3 रखना, अब ये गेल में मिडिल, ठीक है, इसके बाद कस्टमाइज पे जाना। कस्टमाइज पे जाने के बाद ये जो कीबोर्ड एंड माउस का है साइन, यहाँ पे जाना, फिर गेम पैड पे जाना, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्लान करना, ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करना,
डबल क्लिक करके कुछ भी दबा दो कि एप दबा दो, ठीक है। एक बार एप दबा देने के बाद यहाँ पे एप वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, फिर इसको बाहर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ से इसको कट कर देना, फिर से जाना, फिर मैनेज में जाना, ठीक है। मैनेज में देखो, मैनेज में जाने के बाद जो फाइल दिया हूँ, ठीक है, वो ये वाला फाइल आएगा, मेरा पहले से यहाँ पे है। अब क्यों दिखा रहा है मेरे को पता नहीं। अब इसको कैसे आप लोगों को मतलब आप लोगों का एमुलेटर में अगर इस प्रोसेस के दौरान ये वाला फाइल नहीं आता है तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं फिर से कर रहा हूँ, इम्पोर्ट करना, फिर लोकल इम्पोर्ट करना, ठीक है। फिर लोकल इम्पोर्ट करने के बाद जहाँ पर आप लोग वो फाइल जो डाउनलोड किए हुए है वहाँ पे जाना। ये जैसे मेरा मोमो फाइल में था, फिर रूट डाटा, फिर उसके बाद ये एक ही वाला फाइल दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। ये com.pubg.imo ये वाला bgm.json करके ये इसको ओपन कर देना, ठीक है। ये देखो डुप्लीकेट नेम इम्पोर्ट फेल, जैसे मैंने डुप्लीकेट नेम इम्पोर्ट फेल इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। तो मैं फिर भी इसको अप्लाई कर देता हूँ, इसको फिर अप्लाई कर देना, ठीक है। जैसे मेरा पहले से ही है इसीलिए आप लोगों का अगर नहीं होगा तो ये जो मेरा की बाइंडिंग यहाँ पे पहले से दिखा रहा है ना, ये सब आप लोगों का नहीं दिखा है। जैसे आप लोग इंपोर्ट करोगे और अप्लाई करोगे ये सब दिखा देगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको सेव कर देना, फिर यहाँ पे चले जाना, ठीक है। तो ऐसी ये की मैपिंग है। अब इसके की मैपिंग के अंदर मैं जाता हूँ, देखो कैसे ये काम करता है। अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। सिर्फ आप लोग की मैपिंग और मेरे वॉइस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखो फिर ये 90% हो गया, फिर 90% होने के ऑल पिक्सर को ऑन कर देना, वो तो 73% में कर देना, 90% में भी चलेगा। ये देखो मेरा जैसे अंदर आ गया, ये देखो की मैपिंग, ठीक है, चल रहा है गेम। ये देखो, ठीक है। अब इसको की मैपिंग को ये जो भी है इसके अंदर इसके ऊपर इसको हटाने के लिए फिर से कीबोर्ड पे जाना और ये जो शो की हिंद इसको बंद कर देना, हो जाएगा। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ और छोटा और भी की मैपिंग दिखा रहा हूँ, जैसे ये जो माउस कर्सर अनलॉक लॉक अनलॉक है ये मिडिल की में, तो इसको आप लोग अगर कंट्रोल में करना चाहते हो, कोई भी की बाइंडिंग कैसे करना चाहते हो तो मैं दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा स्टेप है ये, जैसे मैं ये माउस का मिडिल बटन दबा रहा हूँ तो लॉक अनलॉक हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे जाना है और ये जो एडिट वाला है ना, एडिट में जाना, ठीक है। एडिट में जाना, ये देखो मिडिल की लिखा है, मिडिल की यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना, एक बारी लेफ्ट क्लिक करना और उसके बाद आपको जो भी की चाहिए उसको दबा देना, ठीक है। जैसे मेरे को कंट्रोल चाहिए, लेफ्ट कंट्रोल चाहिए, तो देखो लेफ्ट कंट्रोल एक बार दबा दिया, फिर बाहर क्लिक कर दिया, हो गया। अब देखते हैं ये वाला होता है या नहीं होता है, फिर यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। अब देखो मेरा मिडिल की से नहीं हो रहा, मैं मिडिल की दबा रहा हूँ लेकिन लेफ्ट कंट्रोल की दबा रहा हूँ, हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आराम से हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से खेलो गेम को। मोमो प्लेयर में अगर हमेशा ऐप प्लेयर में प्रॉब्लम होता है, हमेशा ऐप प्लेयर में अगर प्रॉब्लम नहीं होता है तब आप लोग मोमो प्लेयर में खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐप प्लेयर में एक तो एडवांटेज ये है कि तुम एक की को दो तीन जगह पे सेट कर सकते हो, लेकिन मोमो प्लेयर में वो सिस्टम नहीं है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे देखो मेरा एप इधर सेट है, ठीक है, लूट के टाइम सेट है, एक बार रुको, मैं सब कुछ दिखा ही दे रहा हूँ। मुझे को एफ के दौरान ये वाला सेट है, लेकिन यहाँ पे ये जो लूट वाला है, मेरे को यहाँ पे एफ चाहिए, तो यहाँ पे मैं अगर एफ दबाऊंगा तो नहीं होगा। तो यही मोमो प्लेयर में थोड़ा दिक्कत है, दिक्कत मतलब बहुत सारा की को लेके काम करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक, हाँ अभी ये सब करने के लिए डबल क्लिक करना, ठीक है। ये देखो डबल क्लिक हो गया, मैं अगर एप दबा देता हूँ, देखो ये देखो ये भी रेट दिखा रहा है, ये भी रेट दिखा रहा है। आप बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, कौन सा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एप प्रेस कर दूंगा तो ये वाला काम नहीं करेगा, ये दोनों ही काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दो मतलब एक ही बार एक जगह पे काम करेगा, दोनों जगह पे ये काम नहीं करेगा। तो इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा, ये वाला एप की काम करेगा। ये देखो ये वाला अभी ब्लू हो गया, मतलब ये काम कर रहा है। अभी ड्राइव के लिए अगर आप तुमको मतलब ड्राइव करना है तो टी दबा दो, टी हो गया, टी का तो कुछ काम का नहीं है, टी दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब तो मैं अपने हिसाब से जैसे मैं बैठता हूँ ऑल्ट से बैठता हूँ ठीक है, और सी से मैं सो जाता हूँ। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लेना, इसको आर कर दो, रीलोड करता हूँ। ये वाला गेट इन क्या है, जी दिखा रहा है ठीक है, गेट इन में जी दिखा रहा है। तो ये वाला तो ये सब अपने हिसाब से सेट कर लेना ठीक है, देखना जो भी, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। फिर यहाँ पे सेव कर देना, हो जाएगा जो भी आप लोग की मैपिंग करोगे ठीक है। तो ऐसे ही मोमो प्लेयर का की मैपिंग सेट कर लेना। आराम से I need a weapon. आप लोगों को अगर जैसे एनिमी हेड करना है ठीक है, तो अगर आप मिडिल की आप लोग सेट मिडिल की को सेट करोगे तो ये वाला हाँ ये जो ये वाला एनिमी है यहाँ पे दो दिखा रहा है। Watch out. तो आप लोग अगर मिडिल की को सेट करोगे तो क्या होगा, देखो मिडिल की, अरे ये दिखा देता हूँ। अगर ये आप लोग मिडिल की दबा के, क्योंकि ज़्यादातर गेम में पीसी गेम में मिडिल की होता है ठीक है, कस्टमाइज में जाना, यहाँ पे दो दिखा रहा है, मतलब दो प्रेस टू नंबर टू प्रेस करोगे तो वो एनिमी जाहिर दिखाएगा ठीक है। इसके लिए मेरे को मिडिल की चाहिए ठीक है, तो दो किसी दूसरे काम में लगा देंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक कीबोर्ड में जाना पड़ेगा, हाँ फिर एडिट करना पड़ेगा, फिर इसको दो को कट कर दो, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, फिर मिडिल की एक बार दबा दो, फिर बाहर क्लिक कर दो, हो गया। अब देखो अभी मिडिल की दबाऊंगा तो हो जाएगा वो। Watch out. ये देखो mark the location. एक बार दबाने से मार्क, mark the location. दो बार दबाने से वॉच आउट, वॉच आउट ठीक है, बढ़िया भाई। मूवू प्लेयर में खेलो, एमएसआई धोखा दे रहा है तो मूवू प्लेयर में खेलो। तो सेंसिटिविटी के बारे में, दोनों एमुलेटर का सेंसिटिविटी शायद थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, मैं दोनों का सेंसिटिविटी ले आऊँगा बहुत ही जल्दी, एक दो दिन में ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, और ज़्यादातर मेरा गेम प्ले अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये सब वीडियो तो मैं कभी कभार बनाऊँगा, लेकिन गेम प्ले मैं रोज़ डालूँगा, फोकस तो मेरा वही है गेम प्ले के ऊपर। अगर चैनल अच्छा खासा ग्रो हो जाए तो मैं लाइव भी जरूर आऊँगा, मेरा लाइव गेम प्ले देखना तब ठीक है। हेलो, तो ये वाला जो स्टेप है, ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ न्यू प्लेयर के लिए है, जो पहली बार BGMI को एमुलेटर पे खेल रहे हैं ठीक है। तो जो पुराना प्लेयर उनको ये सब स्टेप पता है, लेकिन जो नया प्लेयर है, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो जो MSI ऐप प्लेयर के ऊपर था, उसमें बहुत सारा नया प्लेयर जिनको पता ही नहीं कैसे गेम को चालू करते हैं, मतलब क्या क्या करना पड़ता है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम उन लोग फेस कर चुके हैं। तो ये स्टेप थोड़ा अलग है, क्योंकि इस प्लेयर में थोड़ा अलग टाइप का स्टेप करना पड़ेगा, छोटा सा स्टेप। तो ये स्टेप यही है कि भाई लोग, आप जब भी मोमो प्लेयर को ऑन करोगे ठीक है, आपको अगर गेम खेलना है BGMI का जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया आता है, तो वो अगर मतलब वो नहीं आएगा, तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा। ये न्यू प्लेयर के लिए है, जब भी जैसे आप लोग ये ऐप प्लेयर के सॉरी मोमो प्लेयर को ओपन कर लिया ठीक है, तो आप लोगों को रूट एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। जाने के बाद यहाँ पे सॉरी मैं इसको होम कर देता हूँ ठीक है, ये देखो फिर स्टोरेज में जाना पड़ेगा, रुको एक बार काट देता हूँ, शुरू से देखा था रूट एक्सप्लोरर में गया, ये यहाँ पर भी पहले से है, इसको भी होम कर देता हूँ रुको, हाँ ये देखो पहले अगर ये सब पहले से ये दोनों दिखा रहा है, रूट एक्सप्लोरर खोलने के बाद अगर ये दिखाएगा कि यहाँ पे स्टोरेज एरिया पे रूट दिखाएगा, तब ये स्टेप करना, तो तब नहीं हर वक्त करना पड़ेगा तुमको। तो दिखा रहा हूँ, रूट एक्सप्लोरर में स्टोरेज पे जाना पड़ेगा, फिर मोमो शेयर, यहाँ पे फाइल्स और लिप, इन दोनों को कॉपी करने का तरीका है, लेफ्ट में होल्ड करके रखना, यहाँ पे राइट में सॉरी लेफ्ट में दोनों को एक एक करके होल्ड करके रखना, यहाँ पे कॉपी का सिंबल है, कॉपी कर देना ठीक है। फिर रूट पे जाना, रूट पे जाने के बाद यहाँ पे डेटा, डेटा के बाद सॉरी फिर से डेटा, फिर यहाँ पे एकदम नीचे com.pubg.io यहाँ पे ये वाला फाइल, पहले से ये फाइल है, तो पहले से हर वक्त तुमको ये करना पड़ेगा स्टेप, अगर जब भी तुम एमुलेटर को ऑन करोगे गेम खेलना चाहोगे ठीक है, तो मार्च कर देना, तो हर वक्त तुमको ये स्टेप करना पड़ेगा। जैसे तुम एक बार मतलब गेम तुम क्लोज कर दिया एमुलेटर से, रुको एक बार बता रहा हूँ, एक होने दो,
फिर इसको क्लोज कर देना, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये गेम चालू करना, ठीक है। जैसे तुम एक बार गेम को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, गेम स्टार्ट हो गया, फिर किसी कारण तुम्हारा ये गेम के बाहर, मतलब गेम पूरा क्लोज हो गया, फिर ये एमुलेटर वाला स्किन आ गया, ठीक है, ये वाला स्किन आ गया, तुम सोचोगे कि तो मैं तो एक बार मोमो प्लेयर को खोलने के टाइम तो एक बार कॉपी पेस्ट किया था, तो फिर से इसको चालू कर दो, तो नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया दिखाएगा। तो अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया जब भी दिखाएगा, तुम इसको सिर्फ कॉपी इसको यहाँ पे जाके वो सब दोनों को कॉपी करके यहाँ पे com.pubg.mm में पेस्ट कर देना, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये नया प्लेयर के लिए है, ठीक है। ओके, अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं यहाँ पे। टाटा, बाय बाय।